जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। यह वीडियो बहुत ही खास और एक रिक्वेस्ट वीडियो में बनाने वाला हूं, क्योंकि अब तक मैं अपने बीएड के अनुभव पे देख रहा हूं कि जो बच्चे बीएड करके निकल रहे हैं वो भी एक चीज़ के लिए परेशान है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी बीएड में पढ़ने वाले, खासतौर पर अवध विश्वविद्यालय यानी कि RMLU में पढ़ने वाले वो तमाम बीएड के बच्चे जो अभी फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में, उनसे एक बहुत ही खास मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूं। रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे संबंधित है इनरोलमेंट नंबर को लेके। मैं आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने पिछले साल या उसके पिछले साल बीएड क्वालिफाई कर चुका है, बीएड वो पास कर चुके हैं, अभी भी वो इस चीज़ के लिए परेशान है। उनका जैसे आपको डुप्लीकेट मार्कशीट निकालना हो, प्रोविजन निकालना हो, डिग्री निकालना हो या मार्कशीट निकालना हो, और उनके मार्कशीट पर ये इनरोलमेंट नंबर नहीं आता। मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि यह जिम्मेदारी उस महाविद्यालय की है जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि आपका महाविद्यालय कितना एक्टिव है इस मामले में। इसीलिए दोस्तों मैं आप सबसे एक बहुत ही खास रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि हम महाविद्यालय को ना देखते हुए हम अपनी भलाई के लिए क्यों ना हम एक नया स्टेप लें और एक नई मुहिम शुरू करें, और सभी बच्चों को एक साथ जोड़ते हुए एक रिक्वेस्ट करें कि आप सभी बच्चे अपना अपना इनरोलमेंट नंबर भर लें। दोस्तों बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वॉल्वमेंट नंबर आपके मार्कशीट पे होना, और बहुत ही ज़रूरी है आपको आगे की प्रक्रिया के लिए। अगर आपको कहीं जॉब लगता है, आपको डिग्री मांगी जाती है, या दोबारा आपको मार्कशीट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इसलिए आपके लिए इन्वॉल्वमेंट नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही सीरियसली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अवध विश्वविद्यालय के बीएड के बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस मामले को समझें, इस मामले की सीरियसनेस, इसकी गंभीरता को समझें और अपने इन्वॉल्वमेंट नंबर को प्राप्त जरूर करें विश्वविद्यालय से। अब यहाँ पर सवाल ये आता है दोस्तों कि हम कैसे इनरोलमेंट नंबर ले, अपना इनरोलमेंट नंबर कैसे प्राप्त करें। देखिए यहां पे दो चीजें हैं। पहली बात कि जिन बच्चों ने सेम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, विश्वविद्यालय में आप बस एक बार इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद आप जितने भी कोर्स करेंगे आपको दोबारा इन्वॉल्वमेंट होने की जरूरत नहीं है। तो जिन बच्चों ने सेम विश्वविद्यालय से इन्वॉल्वमेंट ग्रेजुएशन किया है, उनके पास ऑलरेडी उस विश्वविद्यालय का इन्वॉल्वमेंट नंबर हो, तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वहां पर इन्वॉल्व है। जो बच्चे वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हैं, हो सकता है कुछ बच्चे वहाँ से ग्रेजुएशन कर भी लिए हों फिर भी उसके पास इन्वॉल्वमेंट नंबर नहीं है, फिर वो क्या करें। अब जो बच्चे वहीं से इन्वॉल्वमेंट करते हैं उनको फिर माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, उनके पास प्रीवियस ईयर्स के मार्कशीट होनी चाहिए, उनका प्रीवियस ईयर्स का मार्कशीट, फ़ोटो, आधार कार्ड, बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 200 रुपये लगेगा। जो बच्चे किसी अन्य विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं और अवध विश्वविद्यालय से बीएड कर रहे हैं, फिर उन्हें माइग्रेशन देना पड़ेगा, विश्वविद्यालय में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपली सी बात कहूँ, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो एक बार प्लीज़ एक बार सीरियसली आप अपने फैकल्टी से या टीचर से बात करिए कि सर मुझे इन्वॉल्वमेंट नंबर चाहिए, भले उसके लिए वो कुछ भी करे। आप एक बार अपने टीचर से बात करिए महाविद्यालय में, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, कि सर मुझे इन्वॉल्वमेंट नंबर चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्लीज़, क्योंकि देखिए अभी एग्ज़ाम फॉर्म भरने में टाइम है और जब एग्ज़ाम फॉर्म आएगा तो आप सब परेशान हो जाएंगे। इसीलिए मैं बहुत पहले ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस बार जितने भी बच्चे हैं ना अपने बीएड में अवध विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, आप प्लीज़ सब इन्वॉल्वमेंट नंबर ले लेना। तो कहना कि आप अपने फैकल्टी से, अपने टीचर से, उस महाविद्यालय के, कि सर मुझे इन्वॉल्वमेंट नंबर चाहिए, उसके लिए वो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे, कॉलेज वाले को ज़्यादा ही पैसा मांग सकते हैं, 500 से लेकर 1000 तक, आप उन्हें दे दीजिएगा और उनसे सीरियसली इस बात में ट्रैक करते रहिएगा कि सर इन्वॉल्वमेंट नंबर कब आएगा। और अगर क्लास में 10-15 या 12 या कुछ ज़्यादा बच्चे हैं जिनके पास इन्वॉल्वमेंट नंबर नहीं है, तो वो एक ग्रुप बना के सर को अपना नाम और डॉक्यूमेंट के साथ पैसे दे दे और सर को ही महाविद्यालय, सर को ही यूनिवर्सिटी भेज दे विश्वविद्यालय, जहाँ से वो आपका इन्वॉल्वमेंट नंबर निकाल सके। इसको जरूर करिएगा। अगर कोई कॉलेज से इस तरीके का हेल्प नहीं मिल पाता है, अगर आप कॉलेज से इतने ज़्यादा संपर्क में नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल भी जा सकते हैं, या फिर आप 2-3 लोग जो अगर जिनके पास इन्वॉल्वमेंट नंबर नहीं है वो डायरेक्ट भी यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, एक छोटा सा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा अवध विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट से। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि वो फॉर्म कैसे भरा जाएगा, बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप खुद भरें, वहाँ पर साइबर कैफ़े वाले भरते हैं, वो भी वहाँ से हेल्प करा देंगे। मैं आपको बता दूं कि वो फॉर्म भरना कैसे है और आपको करना क्या है। दोस्तों इस तरीके से आप RMLU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आएंगे तो आपको यहाँ पे एक नीचे एक स्टूडेंट कॉर्नर में एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। ये आपका ऑप्शन मिलेगा दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर डिग्री प्रोविजनल माइग्रेशन। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों,
आप यहाँ पे देखेंगे कि एक नया पेज ओपन होकर आएगा। इसको ज़रा ओपन हो जाने देते हैं, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को यहाँ पर रद्द कर दें। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा है डुप्लीकेट मार्कशीट डिग्री इन्वॉल्वमेंट नंबर प्राप्त करने हेतु और वर्ष 2014 के पूर्व प्राइवेसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु। तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे प्राप्त करना है इन्वॉल्वमेंट नंबर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे हम भर लेंगे, क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही ये पेज ओपन होता है, दोस्तों आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपना नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। तो कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेलेक्ट कोर्स में अगर आप बीएड के हैं तो आपने अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे आपने बीएड सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, फिर यहाँ पे आपने कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में, अगर अयोध्या में तो अयोध्या, अगर सुल्तानपुर में सुल्तानपुर। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा, आपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना है। आप अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा दोस्तों, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपने फर्स्ट ईयर का रोल नंबर डाल दीजिएगा, फर्स्ट ईयर में है तो आप ग्रेजुएशन का रोल नंबर डाल सकते हैं। किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अप्लाइड फॉर में आप यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर कर देंगे और आप किस ईयर में पास हैं या पास नहीं हैं, आप यहाँ पे अपनी पासिंग ईयर की डिटेल्स डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ₹200 का चार्ज यहाँ पे करना पड़ेगा और इस तरीके से पे करेंगे। पे करने के बाद भी कुछ चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर असुविधा हो दोस्तों, असुविधा हो तो आप वहाँ पे बैठने वाले जो भी हैं विश्वविद्यालय के सामने से वो सारे फॉर्म भर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको ख़ास बता दूँ, आप इसका प्रिंटआउट लेके जब विश्वविद्यालय जाएंगे तो वहाँ पे एक मैम होंगी, मैम बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, वहाँ पे जो मैम इन्वॉल्वमेंट नंबर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को देखती है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, आप जाके वहाँ पे ओपनली बात करिएगा उनसे कि मैम ऐसी ऐसी बात है। वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और वो डेफिनेटली सेम डे में, अगर आप कहेंगे कि मैम बहुत ज़्यादा अर्जेंट है आप प्लीज़ करा दीजिए, तो आपके लिए सेम डे में भी करा देंगी। थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ सकता है आपको, अगर आप 10 बजे जाते हैं तो 2 बजे तक, 3 बजे तक या 4 बजे तक बैठना पड़ सकता है, मगर वो सेम डे में भी करा देती है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है दोस्तों। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका प्रिंटआउट ले जाके मैम को जमा करेंगे और मैम वहाँ से आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा, मतलब उसकी फोटोकॉपी लेंगी, अपने पास रखेंगी और एट द एंड क्या करेंगी, वो आपको इन्वॉल्वमेंट नंबर दे देंगी और इन्वॉल्वमेंट नंबर आपको मैसेज भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बस यही वो खास रिक्वेस्ट थी जो मैं आप सबसे करना चाहता था। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जिम्मेदारी आपकी है दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको विश्वविद्यालय में इन्वॉल्व होना हो। मैं बस इसके सीरियसनेस आपको समझाना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे परेशान होते हैं, तो आप प्लीज़ इसको एक बार इन्वॉल्वमेंट नंबर अपना सुनिश्चित कर लें। मैं आपको इस वीडियो के अंदर में 2 ऑप्शन बता रहा हूँ, एक बार अपने टीचर से बात कर लीजिए, अगर कई बच्चे हैं तो ग्रुप बना के, नहीं तो आप इंडिविजुअली बात कर लीजिए। दूसरा, आपको अगर कुछ भी नहीं करना है ना, बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी ले जाके मैम के पास चले जाइए, मैम को बता दीजिए, मैम बता देंगी कि कहाँ से आपको ऑनलाइन भरवाना है, वहाँ से भर के ले आके आप मैम को दे दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। आप प्लीज़ इसकी सीरियसनेस को, गंभीरता को समझिए और इन्वॉल्वमेंट नंबर के लिए ज़रूर आप आवेदन कर दें। बाकी एक खास निवेदन ये भी है कि अब आप अपने रेगुलर क्लास के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार पेपर बहुत ही जल्दी हो सकता है, अगर मैं गलत नहीं हुआ तो जून तक आपके पेपर शुरू कराए जा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं चाहता हूँ आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें। मैं आशा करता हूँ दोस्तों अब आप अपने इन्वॉल्वमेंट नंबर के लिए थोड़े से सीरियस होंगे और अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय संपर्क करके आप अपने इन्वॉल्वमेंट नंबर को जरूर प्राप्त करेंगे। इसी निवेदन के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करूँगा। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी कोई समस्या, सुझाव, सलाह, शिकायत, कुछ सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर डेफिनेटली जो हमसे संभव हो सकेगा आपकी सहायता की जाएगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।